नमस्कार सत श्री अकाल, HP सिंह फूड ब्लॉग चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल की वादियों में। अगर आपने ठंडी हवा में, ठंडी जगह में रहना हो और खाने पीने का बिल्कुल अच्छा ध्यान रखना हो तो इससे बेटर जगह कोई नहीं है। ये हिमाचल और J&K के बीच में, जो चंबा चंबे से सड़क जाती है J&K के बीच में, वहाँ पर ये हिमाचल में पड़ता है। बहुत ही अच्छा वेदर, बहुत ही अच्छा है। वो देखिए, तो यहाँ पे देसी बकरा मिलता है। उनको बोल दो, कुक को बोल दो, वो देसी बकरा लेके और खुद बना के देते हैं। हम भी वही खाने आए हैं, चलो चलें। ये देखिए, ये इस रेस्टोरेंट का किचन है और ये बैठने के लिए यहाँ नीचे इंतजाम है। यहाँ टी, कॉफ़ी और चाउमीन, मैगी, पनीर सब कुछ मिलता है यहाँ पे। अब देखते हैं, लस्सी भी है यहाँ पे, लस्सी भी मिलती है। और अंदर जाके देख, देखिए बाहर से नज़ारा देखिए। ये हिमाचल की बस जा रही है, ये देखिए हिमाचल बस। और देखिए अंदर जाके देखते हैं कि सेटअप कैसा है बैठने के लिए। वाह, बैठने का सेटअप देखो आप, ये पूरा का पूरा वुडन से बना हुआ। ये देखिए ऊपर देखिए, पूरा देसी हिमाचली जो होता है, हिमाचली पारंपरिक घर जो होता है हिमाचल में, जैसे यूज करते जब बर्फ पड़ती है तो यही जो है लकड़ का घर काम आता है। ये बैठने के लिए पूरा का पूरा लकड़ का सेटअप किया हुआ है। ये देखिए बैठने का सिस्टम भी बहुत अच्छा है और ठंडी हवा आ रही है। और ये देखिए, ये पूरा वुडन का बना हुआ है। ये देखिए, ये चील के पेड़ का बना हुआ है। नमस्कार सर, और क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, बढ़िया। ये हम भद्रवाह से आ रहे थे चंबे की ओर, और रास्ते में आपका रेस्टोरेंट देखा। हाँ जी। तो कहते हैं आप मटन बहुत टेस्टी बना के खिलाते हो। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा हिमाचल का देसी बकरा है ये वाला। हाँ, ये देखिए, ये हिमाचल का देसी बकरा है, ये फार्म का बकरा नहीं है, अपना देसी। ये हिमाचल का देसी बकरा है। हाँ जी, हाँ जी। और ये यहाँ पहाड़ियों में जो घूमते हैं वो वाले बकरे है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये पहाड़ियाँ देखिए, ये देखिए पहाड़, पीछे पहाड़ियाँ हैं और इधर देखिए, ये पहाड़ी पहाड़ी बकरा। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर अजय है। अजय, अजय जी, अजय चौहान, अजय चौहान, अजय चौहान जी। ये रेस्टोरेंट कहाँ पड़ता है, ये पब्लिक को बताइए आप कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह? पदरी जोत साइड जो है वो लंगेरा में। ठीक है, और चंबे से कितनी दूर पड़ता है ये सर? चंबे से पड़ता है 85। 85 चंबे से क्या पड़ता है रास्ते में? तीसा नहीं सर, चंबा से आता है सुंडला सलोनी। उसके बाद ये रास्ता जम्मू कश्मीर का रास्ता है, उसके बीच में पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमें आप मटन बना के खिलाइए। और देखिए ये मटन देखिए कितना ताज़ा और फ्रेश लग रहा है। ठीक है अजय भाई, अब मटन बना के हमें खिलाइए बढ़िया सा। ठीक है सर, ओके। प्याज डालेगा मटन के बीच में? हाँ, मटन। ठीक है, ये देखिए प्याज काट रहे। हिमाचल में आके मटन खाने का मजा ही लगा। पहाड़ी अजय भाई हमें आमलेट बना खिला रहे हैं देसी घी में। अजय भाई क्या बात है, देसी घी में अजय भाई हमें आमलेट बना खिलाएंगे अभी। ये देखिए, तब तक जब तक मटन नहीं बनता तब तक आमलेट का मजा लेते हैं पहाड़ियों में। ये अजय भाई हमें आमलेट बना के खिलाने लगे, मटन को टाइम लगेगा थोड़ा। यह क्या हफ्ता है, ये देसी घी में बना के खिला रहे हैं हमें। मौसम ठंडा है और आमलेट खाने का मजा ही है, कुछ अलग है। ये आमलेट रेडी हो गए, अब इसको अजय भाई देखिए कैसे, क्या बात है। ये देखिए अजय भाई फॉरमैन है, मैं कुकिंग के फॉरमैन है अजय भाई। अजय भाई बहुत अच्छा। ये देखिए यहाँ पे देसी मुर्गे भी रखे हुए हैं, अगर चाहो तो ये भी आप डिमांड की तौर पे ले सकते हैं। देसी मुर्गे का क्या रेट है यहाँ पे सर? देसी मुर्गे का रेट है 1200। 1200? अच्छा 1200 रुपया। 2 किलो का कितने का? 2 किलो का। अच्छा 2 किलो का 1200 जो भी हो। ठीक है, अगर आपने देसी मुर्गा भी खाना हो तो 1200 के करीब मिल जाएगा। उनकी बनाई कुकिंग करके सब कितना हो जाएगा? कुकिंग करके सर 1400, 1500, 1600। 1400, क्योंकि देसी मुर्गा बनाना बहुत मुश्किल होता है वेट के हिसाब से,
1400 रुपये में आपको 2-2.5 किलो का देसी मुर्गा, ये 1400 रुपये में आपको देसी मुर्गा बनाने का मिल जाएगा। ये देखो नेचुरली पहाड़ों में पला हुआ, ये देखिए होम स्टे। अगर आप यहाँ पे आके रहना भी चाहते हो तो फिर भी ठीक है। ये अजय भाई का छोटा भाई, ये अजय भाई ने ऊपर पे जाए दिखाओ कि अगर किसी ने रहना हो ऊपर आके रूम ले सकते हो। क्या नाम है आपका? रंजीत चौहान। रंजीत जी दिखाइए हमें कौन से रूम है आपके। ये वादियों के बीच में ये जो होटल है और उसके रूम है, ये रूम है। क्या बात, रूम तो अच्छा है वैसे, पूरा का पूरा वुडन का बना हुआ है, अच्छा रूम है, बढ़िया बैठने के लिए ठीक है। रंजीत कितना रेंट है इस रूम का? 1100 रुपया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन सा रूम है? और एक ये रूम है। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा दृश्य दिखता है यहाँ पहाड़ों का। ये क्या डाला है अभी कुकर में? प्याज और तेल सर। तेल नमक, ठीक है। ये प्याज तेल का तड़का लग गया है, ठीक है। ये क्या है? ये इसके बाद हल्दी। अच्छा, हल्दी डाले इसमें, हल्दी, ठीक है। ये देखिए तड़का बन रहा है। ये डाली है हरी मिर्च साथ में। ये क्या डाले अजय भाई? ये डाले हैं सर लहसुन। ये लहसुन डाले मटर में, क्या बात है। अभी ये लहसुन डाल दिया अजय भाई ने, अब इसको मिक्स कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये हिमाचल में आके ना जो कोई भी मटन का शौकीन हो, हिमाचल में आके देसी मटन खाने का, पहाड़ी बकरा खाने का मजा ही कुछ और है। ये डाले टमाटर पूरे के पूरे देखो डाल दिए इसमें, क्या हाँ हाँ है। ये स्टाइल है, ये टमाटर गल जाएंगे। ये 3 टमाटर मटन में रख दिए, क्या हाँ बात है। अब इसको बंद कर दोगे? अब इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे। अब कितनी कितनी देर बाद इसको देखोगे? 15 मिनट के बाद इसको देखेंगे। 15 मिनट बाद, ठीक है। अगर आप ट्रॉट फिश का ऑर्डर करोगे, अजय भाई ट्रॉट फिश मिल जाती है? मिल जाती है सर। अच्छा, ये देखिए ये ट्रॉट फिश भी यहाँ मिल जाती है, क्या बात है। अच्छा, ओरिजिनल पानी की, पहाड़ी पानी, बर्फ वाला पानी की है ना सर? तो ये कैसे किलो मिलती है? ये सर 850 रुपये किलो मिलती है। 850 रुपये किलो, ये देखिए ये ट्रॉट फिश है, ये 850 रुपये किलो मिलती है। ये हमारा मटन लगता है रेडी हो गया। ये अजय भाई दिखा रहे हैं हमें, ये अजय भाई दिखाइए जरा, क्या बात है। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है अजय भाई, बढ़िया आ रही है सर स्मेल, है ना, बढ़िया आ रही है ना। ये देखिए मटर, ये हिमाचली है, ये कम से कम 15 मिनट में ही गल गया है। अगर आप पंजाब का मटन लोगे, बकरा लोगे, उसको कम से कम आधा घंटा कुकर में लगाना पड़ता है, मगर ये ओरिजिनल जो पहाड़ की जड़ी बूटियों है, घास खा के ये पला होता है, ये जल्दी गल जाता है। क्यों अजय भाई, ये जल्दी गल जाता है? जल्दी गल जाता है सर, उतना जल्दी तो नहीं गलता लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ना। पंजाब के बकरे में और ये बकरों में थोड़ा फर्क है ना? बहुत फर्क है। अच्छा, पहाड़ों में खाते हैं सब चीजें, जड़ी बूटियां? जी जी जी, ठीक है। ये देखिए ये बकरा हमारा तैयार हो रहा है, वाह क्या बात है। ये सर आप यहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी सर। तो बकरा जो होता है वो फिश होती है, नेचुरली होती है? नेचुरल होती है, जो पहाड़ी है ना हमारी। हाँ, अपने खुद तैयार करते हैं ना, जैसे अच्छा डाल के टैंक बनाए हुए होते हैं, टैंक बनाए होते हैं, और जो बकरा है वो खुद पाले होते हैं, ठीक है। और ये जिनके पहाड़ों की जड़ी बूटी खाती है, इसके जो मीट होता है, मटन होता है, स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग मतलब उनको फीड फूड डालने की जरूरत नहीं, वो कुछ नहीं, वो पहाड़ों में जाके नेचुरल जो है जंगली घास वही होता है, वही खाते हैं, कोई नहीं। ये टेस्ट का भी फर्क होता है ना, है ना, बहुत ही फर्क, बहुत ज्यादा फर्क होता है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सतीश चौहान। सतीश चौहान, थैंक यू सतीश चौहान। रेडी हो गया या नहीं सर? ये रेडी हो गया। रेडी हो गया, ये देखते हैं मटन। ये अभी कुकर खोल रहा है और ये पहाड़ी बकरा जो है
मैं तो बहुत बेताब हूँ देखने के लिए। अरे क्या बात है, इसकी तो हड्डियां या बोन्स है वो तो मीट से अलग। इसका मतलब ये पक गया है ना? ये पक गया था, पक गया है, ठीक है। ये देखिए हिमाचल की वादियों में ये हमारा देसी बकरा, हिमाचली बकरा तैयार हो चुका है। अब ये खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है। अभी देखते हैं, ये लिया हमने बकरा और ये देखिए ये पीस देखिए, चॉप वाला पीस है ये वाला, और ये इधर रखा। ये देखिए ये चॉप वाला पीस है हिमाचली बकरा। फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आ रही है ना, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। अभी खाने को तो मेरा बहुत दिल कर रहा है, मैं खा के बताता हूँ। पूरा सॉफ्टी, 15 मिनट में ये गल गया बकरा, और टेस्ट रूहानी टेस्ट। हिमाचली देसी बकरा खाने का क्या मजा है। अभी मैं नहीं कह रहा, अभी मेरा फ्रेंड भी खा के बताएगा कि ये कैसा बकरा है। मैं खाता हूँ, वेरी गुड। देखिए ये अभी मेरे फ्रेंड सनी ने बकरा लिया है, मैंने तो खाया है, अब सनी बताएगा कि हिमाचल की वादी में पहाड़ी बकरा कैसा है। सनी भाई कैसा है बकरा, ठंडी वादियों में कैसा लग रहा है आपको खाना? इतना मस्त बकरा भी, इतना सॉफ्ट होता, मजा आ गया। क्या बात है, सनी भाई को भी ये बकरा बहुत पसंद आया, आप भी आओ कभी। हाँ जी सनी भाई, मेरा मन नहीं कर रहा बोलने का, मेरा मन कर रहा खाने का। अब खा के बताइए हमें, ये क्या बात है। अजय भाई आपका मटन खाया, और यहाँ पे टॉर्टी भी मिलती है। अजय भाई आपका मटन खाया, बहुत ही टेस्टी था, मजा आ गया खाने का। पेट दिखिए, पेट मोटा हो गया मेरा बहुत ज्यादा। तो अगर हमारा ब्लॉग एचपी सिंह फूड ब्लॉग देख के कोई भी आएगा यहाँ पे कस्टमर, तो आप कितना डिस्काउंट दोगे? 20%। देखिए 20% डिस्काउंट स्कीम चल रही है, आप जल्दी से जल्दी अजय भाई के होटल में जाइए और मजा लीजिए। अजय भाई बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। ओके सर, थैंक यू।